क्या आपने कभी सोचा है कि जिसमें स्मार्टफोन और कंप्यूटर से आप डेटा की मदद से काम करते हैं, हजारों इमेजेस और वीडियो सेव करते हैं, तो ये कितनी स्पीड से आपके स्मार्टफोन में काम करता होगा? एक वीडियो आपके स्मार्टफोन में कितने सेकंड में सेव हो पाता है? इंटरनेट पर ट्रांसफर होते डेटा की स्पीड क्या है? यूट्यूब पर आप जो भी वीडियो देखते हैं तो आप हर सेकंड कितना डेटा इन्हें देखने में खत्म कर देते हैं? एक म्यूजिक फाइल के लिए आपको हर सेकंड कितना डेटा इस्तेमाल करना पड़ता है? आपका यूएसबी पोर्ट कितनी स्पीड से डेटा आपके पेन ड्राइव में ट्रांसफर करता है? 4G और 5G के साथ साथ सबसे फास्टेस्ट वाईफाई और नासा की सैटेलाइट एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर करती हैं? इस ब्रह्मांड और कहीं तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट क्या है? ये सभी बातें जानने के लिए और टेक्नोलॉजी का ये नया पहलू समझने के लिए चलिए मेरे साथ डेटा और इंटरनेट की उस दुनिया में जो इससे पहले आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपको स्मार्टफोन और कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। अब ये डेटा जितनी स्पीड से उसके हार्डवेयर और नेटवर्क डिवाइस द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, उसी से आपकी स्मार्टफोन और कंप्यूटर की स्पीड भी डिपेंड करती है। डेटा के इस ट्रांसफर को बिट रेट में नापा जाता है, यानी कि एक सेकंड में कितने बिट डेटा को कोई मशीन और नेटवर्क ट्रांसफर कर रहा है। डेटा की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, तो इसी यूनिट के जरिए हर तरह के डेटा ट्रांसफर को नापा जाता है। इसे बिट रेट भी कहते हैं, यानी कि बिट्स पर सेकंड। आपके इंटरनेट की स्पीड इसी पर निर्भर करती है। जैसे 1 Mbps का मतलब है 1 Mbps, यानी हर सेकंड 10 लाख बिट आपका कनेक्शन ट्रांसफर कर रहा है। अब इसी स्केल पर मैं आगे बढ़ते हुए हर तरह के डिवाइस और कंप्यूटर और ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, जिसे समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। गैजेट्स की दुनिया में डेटा का बहुत काम है, पर जो गैजेट जितनी तेजी से डेटा का ट्रांसफर कर पाता है वो उतना ही तेज प्रोसेस कर सकता है। बात करें सबसे कम डेटा ट्रांसफर रेट की, तो वो GPS सैटेलाइट का माना जाता है। करीब 50 बिट डेटा को ये हर सेकंड ट्रांसफर करता है। वहीं इससे 80 गुना तेज और करीब 4000 बिट पर सेकंड या 4 Kbps एक ऑडियो स्पीच की सबसे कम क्वालिटी होती है, जिससे उसे रिकॉग्नाइज यानी पहचाना जा सकता है। अगर इससे कम डेटा ट्रांसफर पर ऑडियो है तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। वहीं इससे 2 गुना और 8 kbps सबसे लो टेलीफोन क्वालिटी ऑडियो है। यानी अगर आप हर सेकंड 8 kbps डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको आपकी टेलीफोन लाइन पर सबसे लो क्वालिटी का ऑडियो सुनने को मिलेगा। वहीं अगर इसी टेलीफोन लाइन के ट्रांसमिशन को 8 गुना बढ़ा करके 64 kbps कर दो, यानी कि हर सेकंड इससे 64 kbps डेटा ट्रांसफर हो, तो आपको टेलीफोन लाइन पर बेस्ट क्वालिटी आवाज सुनाई देगी। ज्यादातर लैंडलाइन फोन इसी बिट रेट पर काम करते हैं। वहीं अगर आप 10 साल पहले यूज होने वाले 2G GPRS नेटवर्क को याद करें, तो उसकी स्पीड 56 kbps से लेकर के 114 kbps तक होती थी, जो कि आज के नेटवर्क के सामने बहुत ही कम स्पीड है। वहीं 128 kbps बिट रेट एक MP3 फाइल का होता है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में होने वाली सबसे लो क्वालिटी म्यूजिक है। जब आप अपने फोन पर मोबाइल इंटरनेट पर म्यूजिक सुनते हैं, तो वो ज्यादातर इसी क्वालिटी पर बजते हैं और हर सेकंड आपके 128 kbps या फिर 16 KB डेटा को यूज करते हैं। वहीं 192 kbps एक CD में स्टोर MP3 फाइल की मैक्सिमम क्वालिटी होती है। CD में हर सेकंड 192 kbps डेटा ट्रांसफर होता है, तभी आप इस क्वालिटी म्यूजिक को सुन पाते हैं। 320 kbps MP3 ऑडियो फाइल की मैक्सिमम क्वालिटी होती है। अगर कोई म्यूजिक 320 kbps डेटा हर सेकंड कंज्यूम कर रहा है, तो आप हाई क्वालिटी म्यूजिक को सुन पा रहे हैं। बात की जाए साल 2002 में आई 3G नेटवर्क की, तो उसकी शुरुआती स्पीड 384 kbps थी, यानी कि आप हर सेकंड 48 KB डेटा यूज कर सकते थे। हालांकि 3G इस स्पीड से भी तेज चलता है, पर उसकी बात बाद में करेंगे। वहीं अगर आपके इंटरनेट की स्पीड केवल 400 kbps है, तो आप YouTube पर केवल 240p रेजोल्यूशन का ही वीडियो देख सकते हैं। वहीं 700 kbps बिट रेट YouTube की 360p क्वालिटी वीडियो का है। अगर आप इस क्वालिटी में वीडियो देख रहे हैं, तो इसे चलने के लिए हर सेकंड 750 kbps और कहीं तो 93.5 KB डेटा इस्तेमाल करना होगा, और इसके लिए आपको कम से कम 750 kbps का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए होगा। वहीं अगर आपके पास 1 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप YouTube पर 480p क्वालिटी का वीडियो आसानी से देख सकते हैं। वहीं YouTube पर 720p क्वालिटी का वीडियो लगातार देखने के लिए आपको कम से कम 2.5 Mbps और 2.5 Mbps की स्पीड चाहिए, तभी आप बिना बफरिंग के इन्हें देख सकते हैं। इससे आगे बढ़े तो साल 2004 में आया ब्लूटूथ 2.0 आपको 3 Mbps की मैक्सिमम स्पीड देता है, यानी कि इसकी मदद से आप हर सेकंड 375 KB डेटा अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं YouTube पर 720p 60fps का वीडियो हर सेकंड 3.5 Mbps डेटा ट्रांसफर करता है। इसे चलाने में आपके स्मार्टफोन को हर सेकंड 438 KB डेटा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
वहीं अगर 4.5 मेगाबिट स्पीड आपके स्मार्टफोन पर इंटरनेट की स्पीड है तो आप फुल एचडी वीडियो को यूट्यूब पर देख सकते हैं। 1080p वीडियो की बिटरेट 4.5 मेगाबिट पर सेकंड है। इसे बिना रुके चलाने के लिए आपको हर सेकंड इतनी स्पीड मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 10 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड पर। 10 मेगाबिट यानी 1.25 एमबी डेटा हर सेकंड यूज करने के बराबर है। साल 1980 में लॉन्च हुए कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें इथरनेट की मदद से इंटरनेट यूज किया गया था 10 एमबीपीएस की स्पीड पर काम करता था। इथरनेट एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो। आपके कंप्यूटर में लगा इथरनेट पोर्ट ये काम आसानी से कर देता है। वहीं 12.5 मेगाबिट पर सेकंड साल 1996 में आई यूएसबी 1.0 पोर्ट की मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड थी। ये यूएसबी का पहला वर्जन था जिसे एक भारतीय ने डिजाइन किया था। इस समय यूएसबी 3.1 वर्जन कंप्यूटर में आता है जिसकी स्पीड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करें 3G के एडवांस वर्जन 3.5G की तो वह 13.98 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम था। साल 2010 में आया ब्लूटूथ 4.0 बहुत तेज ब्लूटूथ था। इसका बिटरेट करीब 25 मेगाबिट्स पर सेकंड था, यानी यह हर सेकंड करीब 3.1 मेगाबाइट डेटा को ट्रांसफर कर सकता था। वहीं इसे दो गुना तेज ब्लूटूथ 5.0 है। साल 2016 में रिलीज हुई यह टेक्नोलॉजी करीब 50 मेगाबिट पर सेकंड पर डेटा को प्रोसेस कर सकती है। यह हर सेकंड 6.25 मेगाबाइट डेटा ट्रांसफर कर सकता है। बस इसके लिए आपको दो ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट स्मार्टफोन चाहिए होंगे। वहीं पर आपका साधारण 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला वाईफाई आपको केवल 54 मेगाबिट्स पर सेकंड की ही मैक्सिमम स्पीड दे सकता है। ज्यादातर ब्रॉडबैंड में लगने वाले राउटर आज भी इसी वाईफाई बैंड पर आपके स्मार्टफोन को वायरलेस कनेक्शन देते हैं। हालांकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बाद वाईफाई 5 और वाईफाई 6 आ चुका है जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर बहुत तेज स्पीड से वायरलेस इंटरनेट आपको प्रदान करते हैं, पर इनकी स्पीड को हम आगे कंपेयर करेंगे। आजकल हमारे स्मार्टफोन में चल रहा 4G LTE हमें इसी तरह की स्पीड देता है। थियोरेटिकली देखा जाए तो ये 150 एमबीपीएस तक जा सकता है, पर प्रैक्टिकली अच्छे नेटवर्क पर ये 20 मेगाबिट्स तक की ही आपको स्पीड दे सकता है, जिससे आप एक सेकंड में केवल 2 एमबी तक की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें 5G नेटवर्क की तो फिलहाल इसकी स्पीड रेंज अभी 300 एमबीपीएस से लेकर के 1 जीबीपीएस तक देखी गई है। प्रैक्टिकली ये 300 एमबीपीएस तक की ही डाउनलोड स्पीड दे सकता है। इसकी मदद से आप 37 एमबी से लेकर के 150 एमबी की फाइल को एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट की स्पीड को। साल 2000 में आया यूएसबी 2.0 पोर्ट आपको 480 मेगाबिट्स डेटा को हर सेकंड में ट्रांसफर करने की मदद करता है। अगर इसे मेगाबाइट में कन्वर्ट करें तो ये होगा 60 मेगाबाइट पर सेकंड। जब आप इस यूएसबी 2.0 से डेटा ट्रांसफर अपने पेन ड्राइव पर करते हो तो आप मैक्सिमम 60 मेगाबाइट पर सेकंड से ज्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इस समय नए कंप्यूटर्स पर यूएसबी 3.0 आ चुका है जो बहुत ज्यादा फास्ट है, पर इसकी स्पीड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करें साल 2012 में आए वाईफाई नेटवर्क के नए प्रोटोकॉल 802.11ac और वाईफाई 5 की तो इसकी स्पीड बहुत तेज है। बेस्ट कंडीशन पर यह आपको 500 मेगाबिट्स पर सेकंड से 1 गीगाबिट पर सेकंड की डेटा ट्रांसफर स्पीड दे सकता है। अगर आपके पास वाईफाई 5 सपोर्ट राउटर और स्मार्टफोन है और 1 गीगाबिट का इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस स्पीड का फायदा अपने स्मार्टफोन में उठा सकते हैं। इसकी तेज स्पीड से आप 4K से लेकर के 8K वीडियोस आसानी से YouTube पर देख सकते हो, पर इससे भी तेज स्पीड आपको साटा हार्ड डिस्क पर मिलती है। साल 2003 में आया साटा पोर्ट 1.5 गीगाबिट यानी कि 1,50,00,000,000 बिट्स की डेटा ट्रांसफर स्पीड देता था। इसकी मदद से आप हर सेकंड 150 मेगाबाइट डेटा ट्रांसफर कर सकते थे। साटा 1.0 के बाद 2004 में साटा का 3 गीगाबिट वर्जन आया जो 300 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा को प्रोसेस करता था, पर इन सभी इंटरनल हार्ड डिस्क को आज भी एक यूएसबी पोर्ट टक्कर दे सकता है। 2010 में बना यूएसबी 3.0 पोर्ट 5 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड से डेटा प्रोसेस कर सकता है। इसकी मदद से आप हर सेकंड 625 एमबी डेटा यूएसबी 3.0 सपोर्टेड डिवाइस पर ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं साल 2013 में आया यूएसबी 3.0 वर्जन 10 गीगाबिट पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड पर काम करता है। अगर आपके मदरबोर्ड में ये पोर्ट है तो आप 1.2 जीबी तक डेटा हर सेकंड इससे ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं अगर वाईफाई की बात करें तो इस समय लेटेस्ट स्टैंडर्ड वाईफाई 6 आ चुका है जो 11 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच जाता है। इसकी मदद से आप वाईफाई नेटवर्क पर ही 1.3 जीबी डेटा को एक सेकंड में ही डाउनलोड कर सकते हो। वहीं बात करें यूएसबी 3.2 वर्जन की तो उससे आप 20 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड पा सकते हैं। वहीं इस समय सबसे तेज यूएसबी पोर्ट यूएसबी 4 है जिसे 2019 में डेवलप किया गया था। करीब 40 गीगाबिट डेटा हर सेकंड ट्रांसफर करने वाला ये पोर्ट बहुत ही फास्ट यूएसबी पोर्ट है।
वहीं नेटवर्क की बात करें तो अब हम 40 गीगाबिट इथरनेट पर आ गए हैं। साल 2010 में डेवलप किए गए इस पोर्ट के जरिए आप अपने ब्रॉडबैंड पर 40 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड हासिल कर सकते हैं। पर इससे भी तेज इथरनेट पोर्ट आ चुके हैं। 100 गीगाबिट, 200 गीगाबिट और 400 गीगाबिट तक इंटरनेट कनेक्टिविटी जा चुकी है। इसमें कई कॉम्बिनेशन के साथ ऑप्टिकल फाइबर यूज किए गए हैं, जिससे 50 GB डेटा तक को आप 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। पर अगर कंप्यूटर के अंदर लगने वाले दूसरे पोर्ट्स जैसे कि रैम और ग्राफिक कार्ड पोर्ट PCI एक्सप्रेस की बात करें तो ये 100 गीगाबिट इथरनेट से भी बहुत तेज हैं। इस समय हाई स्टैंडर्ड की DDR4 रैम जो कि 3200 MHz पर काम करती है, हर सेकंड 204.8 गीगाबिट्स डेटा को प्रोसेस कर सकती है। इसकी स्पीड बहुत तेज है, ये हर सेकंड 25 GB डेटा तक को ट्रांसफर कर सकती है। ज़्यादातर मिड रेंज कंप्यूटर में यही रैम देखने को मिलती है, पर इससे भी तेज रैम आ चुकी हैं। 6400 MHz पर काम करती DDR5 रैम 409 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड आपको देती है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पर हर सेकंड 51.2 GB डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। रैम की जितनी तेज स्पीड होगी उतना ही तेज आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है। आइए अब ग्राफिक कार्ड पोर्ट PCI एक्सप्रेस की बात करें। आमतौर पर आपका ग्राफिक कार्ड इसी पोर्ट में इंस्टॉल किया जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साल 2019 में लॉन्च हुआ PCI एक्सप्रेस 5.0 512 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड पर काम करता है। ये हर सेकंड 63 GB डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम है। इस समय इससे भी दोगुना ताकतवर और सुपर फास्ट PCI एक्सप्रेस 6.0 है, जो 126 GB डेटा हर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। पर ये सभी स्पीड अभी भी कुछ नहीं है। भारत और फ्रांस के बीच बिछा सबमरीन कम्युनिकेशन केबल सिस्टम 3.84 TB पर सेकंड की स्पीड पर काम करता है। ये एक इंटरनेट नेटवर्क है जिसके जरिए आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। साल 2009 में बना ये नेटवर्क बहुत फास्ट है। 13,000 किलोमीटर में बिछा ये नेटवर्क हर सेकंड 480 GB डेटा डाउनलोड कर सकता है। पर इससे भी तेज इंटरनेट मौजूद हैं। जापान ने कुछ महीनों पहले ही अपना सबसे फास्ट इंटरनेट नेटवर्क बनाया है, जिसकी स्पीड 319 TB पर सेकंड है। ये इंडिया फ्रांस नेटवर्क से भी 83 गुना तेज है। इसकी वजह से रिसर्चर हर सेकंड 40,000 GB तक का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अब तक का सबसे फास्ट इंटरनेट नेटवर्क है। पर रुकिए, इससे भी तेज नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जा चुका है। दरअसल ये एक फाइबर केबल थी जिसमें 14 ट्रांसमिशन कोर शामिल थी। इसकी मदद से पहली बार 1.05 PB स्पीड हासिल की गई थी। ये सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा तेज थी। इसकी मदद से पहली बार रिसर्चर 120,000 GB और कहीं तो 120 TB डेटा 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते थे। ये स्पीड हमारे 5G इंटरनेट से भी 10,00,000 गुना तेज है। हालांकि ये नेटवर्क बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए ही बना था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फाइबर केबल यूज की गई थी, इसलिए इस स्पीड को केवल रिसर्च लैब में ही अचीव किया गया है। प्रैक्टिकली इस समय सबसे फास्ट इंटरनेट नेटवर्क जापान का ही है, जो 319 TB पर सेकंड पर काम करता है। स्पीड के मामले में ये 5G नेटवर्क से भी 3,00,000 गुना ज़्यादा तेज है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने आपको नेटवर्क और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले पोर्ट की स्पीड को बिटरेट में बताया है। इस वीडियो में आपने जाना है कि कौन सा नेटवर्क और कंप्यूटर पोर्ट कितनी तेज डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर और साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट vigyanam.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।